अव्वले अल्लाह एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले काली कटा वैशत दी बिजली कुफर दा तूफान कंप गईयां करवास दिया नीहा तिनका तिनका करके उठ गए उम्मीदां दे आहणे उठ चलिया मजलूमां दे सिरां दा साया मुत्तां बाद छत मिली सी गरीबां नूं ओह भी लै चलिया उड़ा के बेदर्दा खैरियत ना है बेटा है ए मथा कित्थे वजा ए सिख दौड़े क्यों जा रहे हैं सिखां दे गुरु नूं एक पठान ने खंजर मार दिता सिखां दे पैगंबर ते हमला एवें नहीं ए तूफान उठिया ए नीच कारा भी वजीर खां दा होणा है सच्चे पातशाह हाकम खुद काफर हो गया अब्बा जान अल्लाह तू मेनू पीर बुद्धू शावर का जिगरा क्यों ना दिता अब्बा जान मैं जो हां तेरा जिगरा दस करना की है सच्चा मुसलमान है ता इस जुल्म दे खिलाफ जिहाद कर अल्लाह जुल्म ना दस्त पंजा लैन लई फंगार निकली है बुझे हुए हिरदयाच मग पई है लाट गौरव दी जज्बे साण ते लगे जोश ने लई अंगड़ाई रब्बी नूर ने नितानिया दी होश रुशनाई अगम्मी तपश ने फिर ढाल के खंडा बनाई है माधो दास भाई साहब इस साधु नूं अंदर क्यों बुलाया मैं पहला भी गुरु साहब नूं इहदे नाल गल्लां करदे वेख्या सी नदी किनारे माजरा की है तुलसा सिंह हाँ भाई बोल यार लगदा गुरु जी कोई ऐसा चोज करन लगे आ जेड़ा कई जत्थेदारां नूं पसंद नहीं तैनूं किवें पता है ओए कल जदों मैं गुरु जी दे तंबू च जल चकाउण गया तां सिंघ शायद दो जने सी रोस जिहा करी जांदे सी उच्ची उच्ची कहिंदे की सी समझ ते नहीं पिया पर हैरानी बड़ी होई भई गुरु जी सामे वी कोई इन्ना उच्ची बोल सकदा भला कमाल है खालसा जी गुरु जी ने तुहानू जदों पाहुल दी दात बख्शी
ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਲੈ ਫੜਤੀ ਨਗਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਨੀ ਖੰਡਾ ਜਾਲਾ ਦੇ ਕਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੁਰਤ ਮਿਲਾਏਗੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਐ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੈਰਾਕ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੌਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਠਿੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਮਰਾਠਾ ਭੂਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨੰਦੇੜ, ਅਲਵਿਦਾ, ਅਲਵਿਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ। ਉਸ ਖੂਨੀ ਖੰਜਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਤਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਮਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਉਰਫ ਗੁਲ ਖਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਵੈਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਲਖਾਨ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਖਿਲਤ ਭੇਜੋ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ, ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਿਲਤ ਕਿਉਂ? ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਛੂਟ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ। ਜਹਾਂ ਬਨਾ ਖਬਰ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਹਾਨੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?
सैकड़े शक्की पठान हिरासत च लए सी हजूर, पर गुरु ने रिहा करवा दिते। क्यों? कहा भोले भाले बंदिया नु सजा नहीं होण देंगा। मुनीम खान, गुरु दे मतवल ने बेटे ले भी मातमी खिलत भेज दियो। जायदाद जब्ती दे हुक्म गुरु ते लागू नहीं होंगे। दरवेश दी तन दौलत नाल शाही खजाने नु कोई फर्क नहीं पैना, ओनू हाथ भी ना लाया जाए। जमशेद खान दे बेटे नाल भी हमदर्दी ते गुरु दे बेटे नाल भी हमदर्दी, जहां दा अफसोस भी दोगला हुंदा है। हाकम कोल कई किस्म दा अफसोस हुंदा है, ओ खुदगर्जी बिना कदे किसे ना हमदर्दी नहीं करदा। आगरी च गुरु गोबिंद सिंह नू कीमती हीरिया वाले तोहफे ते खिलत, वजीर खान नू भी कीमती खिलत ते ओहदे च वादा, गुरु नू लारा, नवाब नू इनाम। जरा संभल के बोलिया कर, लपेट चाजेगा। बादशाह फूक फूक के पैर तर रहा है। इदे च की है फूका मारन वाला? एक पासे कट्टरपंथियां दा दबा, दूजे पासे साडी फौज दे 20,000 सिख फौजी ते भगवंत सिंह बंगेसरी वर्गे फौजदार। जे गुरु दे कतल दी उंगली बादशाह वल उठ गई ते तरथली मचा देंगे, बादशाह की करे? इस करके खेड खेडी जा रही है। तू जो जी करदा समझ ले। गुरु जी दे ज्योति जोत समाउण दी खबर ने बंदा सिंह बहादुर दे जथे नू सोग च डोब दिता। माता जी कल्ले रह गए? नहीं नहीं, असी सारा खालसा माता जी दे ही पुत्र हां। मेरा मतलब ऐस वेले उना नू दिलासा देने लई कौन है? सिंह उना दा की इंतजाम करनगे? वैसे ता भाई मनी सिंह खुद ही बहुत सियाने ने, माता साहिब कौर जी नू माता सुंदरी जी कोल दिल्ली पहुंचा देना चाहिए। यही ठीक रहेगा, नहीं ता जंगा चोना दी साम संभाल करनी औखी हो जाएगी। बंदा सिंह जी माफ करना, तुसी गुरु दे हो के गोदावरी दे? भाई विनोद सिंह जी, सिद्धी गल पुछो। गुरु जी नू जख्मी देख के भी रोए, गोदावरी छड़न वेले भी उदास। वेदनावां दा सताया इंसान मोह मोहब्बत मगर दौड़दा है, ते दौड़दा दौड़दा पिरा च जा फसदा। लगदा कदे प्यार नहीं मिलिया। कई बार मिलिया है, पर जुदाई च धक्का देन लई। मैं समझिया नहीं। फिर उसे तरह होया, दशमेश पिता जदों मैनू दिलों प्यार देन लगे तां मेरा मन ओदों ही डरिया किते एक होर पाणा ना वापर जावे। ओही होया। एन्ना बलवान योद्धा अंदरों एन्ना कोमल? कोमल नहीं, इक्को उम्र च चार जूना हंडा के लगदा है मैं कठोर हो गया। मतलब? जम्या लक्ष्मण दास, पलिया नारायण दास, जवानी हंडाई माधो दास दी, ते हुण हुण ते हुण। अजीम, तू दरबार च जो कहन लगा सी मैनू पता है। एक गल समझ ले, हाकम दी इको बेवकूफी हकूमत नू तबाह करन लई काफी हुंदी। जहां पना गुरु तुहाडा मददगार सी। मेरा मददगार गुरु रह गया सी नर्मदा नदी दे परले पार। पर खुरदार, सियासत जरा जिन्ना मत पेजी तां वड्डी दुश्मनी दा बीज हुंदा है। समझदा ही नहीं? तू चुप रह, समझेगा। मेरियां अखां भी उदों खुलियां सी जदों नर्मदा नदी किनारे मान सिंह नां दे सिख दा कतल होया सी। मैं कातिल नूं गुरु दे हवाले करना चाहिया, पर गुरु बोलिया जे मुजरिम नूं मेरे हवाले करना ही है तां वजीर खान नूं कर। लहजा बड़ा खुरख सी। मैं हलूनिया गया, अंदरों आवाज आई, बहादुर शाह खतरे दी कैंटी सुन। मैं सूए चौकस कीते, पता लगा गुरु पहले ही बगावत च रुझिया होया है। पंजाब तो मराठवाड़ा तक ताना तन रहे। सुनया उन्हें एक बैरागी तांत्रिक पंजाब वल तोरिया भी होया। हुन की बिगाड़ लेना है, तांत्रिका बैरागियां सन्यासियां ने जद गुरु ही नहीं रहा। कमरा कंबिया। ओ देखो वणजारे नू डाकू पै गए।
सिंह साहब शस्त्र लेके चलिया करो, किथे जाना है? वापस भरतपुर। वापस तो की मतलब? दसम गुरु जी दा बंदा लभन निकलिया सी, तुसी भी गुरु दा बंदा लभदे फिरदे हो? हां भाई असी भी, पर तुसी क्यों लभदे फिरदे सी? गुरु जी लई रख्या दसवंद ओदे सपुर्द करना है। यही तो है गुरु दा बंदा। हाथ ना लाइयो गुरु दी अमानत नू, लुटेरियां तो इसलिए बचाया। तुसी सचमुच दशमेश पिता दे सिंह हो? खिमा करना, मैं शक कीता। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल विदा, सो सतगुरु हमारा। दूजे वंजारे सिंघां नूं भी दसांगा टिकाणा किथे करोंगे खालसा जी? पंजाब दी हद उत्ते बांगड़ दे इलाके च, किते भी इधर उधर। किसे नूं कोई है अंदाजा आपां किथे पहुंच गए हां? बांगड़ दा इलाका लगदा है, दिल्ली पिछे रह गई। ओ गड्डे वाले नु पुछिए, टिकाणा करन लई ए था ठीक है? ओ वीरे ऐ ना डरो, मैनू ता है डाकू गर्जू दे बंदे नहीं लगदे। फिर कौन से? वीरे ऐ लगदा है भी सिख उरे अख बचा के आटप के। वाहेगुरु जी की फतेह भरावो, ए था केड़ी है? भाई जी ए थाओ है सेरी खंडा, दो पिंड है, इधर पैंदा पिंड सेरी, पारले पासे पिंड खंडा, खड़खौदा में पैंदा। सिंगो पंजाब आ गया, खालसा जी आ गया पंजाब। पहला मोर्चा फतेह, खालसा राज दी स्थापना लई करो जा मरो दा कूच एथो शुरू करांगे। वजीर खान, मसूम साहेब सादियां त्या कातला, बुजुर्ग दाती नू तसीहे देन वालिया, आ गए गुरु दे सिंह। सालमा एक एक दा हिसाब लवांगे, तैयार हो जा।
दशमेश पिता का हुक्मनामा तो दूर दूर तक पहुंच गया होना, पर सिंह पहुंचणगे किथे? तुहानू खुद मालवे माझे ते दुआबे जाना चाहिदा। मैं शिवालिक दी छानबीन लई जाना है। लुकण गहां भी चाहीदियां, पर मैं ओ थावां लब्बांगा जिथे गुरु जी ने कारज आरंभ करवाए सी। खालसा जी, बंदे मिलन आए ने। पुछे कौन है? दोहा पिंडा दे मुखिए ते दू अपने सिख। करतार सिया सब अपने ही है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा जी, इन सिख भाइयों ने थारे बारे में बहुत कुछ बताया, थारे पास एक बेंती लेके आए हैं जी। मुखिया जी, भोजन कल का न रखियो, गरजू का आदमी कह गया था कल बगार लेन आवेंगे। ए डरे क्यों हुए है? गरजू कौन है? खूंखार डाकू, पूरे फसल आई पे बंगले नहीं पड़ दे, जान मुट्ठी पे आ जाए खालसा जी। पहला जिमीदार, फिर डाकू, सब दाना फक्का जाड़ के ले जाए। जे तुसी डाकुआं दा मुकाबला करो ता असी तुहाडे अग्गे होके लड़ांगे। थारे जान पिछे जिंदे नहीं छोड़ लेंगे मानू ये जन्म। तुहाडी गल भी ठीक है, फिर भी असी कुछ करांगे। खालसा जी, सदियां दे डरिया नू कल्ला नाल हिम्मत नहीं दवाई जा सकती। बंदा सिंह जी, बुरा ना मनन, असी मुगलां नू सोधन तो रहे हैं, राज डाकुआं नाल उलझना ठीक है? साडे लई मुगल कौन है? जेड़ा जुल्म करे, दूजियां दी किरत कमाई लुटे, हाकम होवे जां डाकू, जेड़े धर्म दा मर्जी होवे। बंदा सिंह बहादुर ने जबर जुल्म दे खात्मे दी जंग दा पहला हल्ला डाकुआं उपर कीता। उआ, उआ जी, है हाँ, ये तो मेरी भतीजी है। आई ओ मुखिया, किथे मर गया? हाय हाय, मैं मर गई। सारे मर गए, कमाल हो गई। चलाकी महंगी पड़ेगी कुत्तिया मुखिया, सारा पिंड मरवाएगा। करांच जो प्या है चुक लियाओ। घर चढ़िया तेरा कक्ख ना रहे। छट मेरी अम्मा नू, छट मेरी अम्मा नू, छट। कोई बचाओ, बचाओ कोई। कोई भी नहीं, दौड़ गए तन्नू कल्ली छट के। राम सिंह जी, तुसी लोड़ा मारिया, नहीं तां गरजू बच के ना निकलदा। ओ मैं की कीता? जयकारा क्यों छड़िया? जल्दबाजी च जे कोई सिंह चढ़ाई कर जांदा फेर? ती भैण दी इज्जत नालो किसे सिंह दी जान ज्यादा कीमती नहीं। बंदा सिंह दी भी नहीं। बात सिंह जी, मसला की है? उधर देखो, डाकू ने इस बेचारी बीबी नू हाथ पा लिया सी। हुण तुसी दसो, उदो मैनू जथेदार साहब का जकारा उड़ीकते रहना चाहिए सी? पुत्री, राम सिंह ने गुरु जी दे हुक्मां दी पालना कीती है, कोई एहसान नहीं कीता। नगर दे वसनीको,
देख लिया, पहचान लिया अपने असली दुश्मन नू। तो आटे सब तो वड्डे दुश्मन दा ना है बुजदिली। अपने खून पसीने दी कमाई सांभनी सिखो, डाकुआनू जगीरदारानू ललकारो, दुम दबा के दौड़ जानगे। सारे पिंडा तक साडा संदेश पहुंचाओ, असी तुहाडे नाल खड़ोवांगे। हुण डाकुआं वाला समान चुको ते आपस विच वंड लो, वंड के खाना मिलके रहना सिखो। खालसा जी, हमने तो बहुत खुशी है, गांव लुटने से बच गया। इव न्यू करो, डाकू वाला समान थम ले जो। नहीं, ये तुहाडा है, किसे दिन प्रसाद पानी ले सद्यो, सिंगा नु जो चाहिदा है वो ले लिया। ए मलाख कठा किने कीता, अगे आगे दसे। ओ दस दे हुण, संगदा क्यों? तू दस दे यार, तू ता बोलदा बोलदा रहना। ब्रावो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अपना रुड़िया से माझे वल गया सी, उथे इन्हें एक पिंड दा कठ देखिया। उन्हीं दसिया बई मुगल राज दा फास्ता वढ़न लई गुरु जी ने अपना एक बंदा भेजिया। अपनी शक्ति पाके गुरु जी दा हुक्मनामा भी आया बई शस्त्र चको, एदी गवाही च लड़ो। रुड़िए ने हुक्मनामा पढ़िया, काला अखर भैंस बराबर। गजना, तू बोली जा, हर काम विच टांग अड़ाउणी ता भज्जू दा तंदा। ना करना, ना करन देना। गजना, तू की कहना, रुड़िए दी छड। मैं ता कहना आपा भी गुरु दे बंदे नु जा टकरिए, हथियार लेके दबाबा क्यों पिछे रहे। अगे मिट्टी दे माधो नी, फौज है फौज, दुनिया दी सब तो तकड़ी। ओ किथे है भज्जू चाचा? ओ भज्जू चाचा, मैं ते तेरे पे वाली गंडासी ले लूं, जिदे नाल ओने कंध टप्पन लगे चोर दी लत लाली सी। वाहो वाहो, फिर परे आज रख के कहना पछाणो ता लत केदी है। ओ कोई कर है जिथे गंडासी बरछी नहीं, साला बहानेबाज। ओए बेबे नू पुछ लिया, कल्ला तू पुत है, जावांगे किधर नू? जिधर नू गज्जन स्यों कहूगा। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। ओ किद्दां के जी, हाथ वड़ा ले। सिर वड़न लई हाथ वड़ाउणे ही पैणे सी। आ भाई नथु, इत्थे चला गया सी, झूठ ना बोली। ओ नथु दी नथ, जदो होवे लाले हाथ, ते चला किथे जाऊ फेर नथु, चला किथे जाऊ फेर नथु। ओ बही दा ढिड तेरे जुमलियां ना नहीं भरना, पैसे ले आया पैसे, झूठ ना बोली। लाला ऐ दस, अज तक कदे किसे जट तो करजा ला होया? करती मुर्गी दाल बरोबर समझिया वे लाले नू, हैं? मुर्गी एक मुठ दाणियां दी मार नहीं हुंदी लाला, तू तां जट्टां दे खेत ही निकल जाना। ना, मैं सदन जाना जट्टां नू, झूठ ना बोली। चल फिर एक होर निकल ले, मड़ियां लागला खेत अपने ना करा ले, पिछले भी कट ली, पैसे जरा ज्यादा चाहिए। विचली गल है कि जट्टो, झूठ ना बोली। गेजी हुणे निकलिया करजा लैके, डिबू सवेरे घरवाली दियां टूंबां रख के गया। अच्छा, फिर कल उरे कर, दसा शास्त्र खरीदांगे बंदूका, टूंबे उड़ा देंगे। वजीर खान दे आ गया गुरु दा बंदा। हाँ ते ठीक है, वे गोली उदे ही मारेगा ना, है भाई, झूठ ना बोली। हाँ चल फिर चुक बही, गोठा लावा। देख नथु, मेरी मने ता खेत वेच ना, वो जंग दा की भरोसा है, पिछे बाल से मुल्क दे सारे बच्चे गोद ले ले दसम पिता ने। लाला तेरे भी एवें तजोरियां भरी जाना। अच्छा,
देख फिर लाले दिया भी छोटा, जा जटा तेरा सारा कर्जा माफ। गेजी ते देवी नु भी कह दई एक बार चार पुट दे मुगला दी। आ चुक ले भाई कड्या ता है जिगरा लाला, ए थोड़े नहीं नहीं एदे अंदर बहुत है। झूठ ना बोली। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अदमुइयां रूहां अंदर स्वयमान दी जेड़ी जोत जगाई सी, ओ प्रचंड ज्वाला च बदल गई। केवल मर्द ही नहीं सगों टबरां दे सारे जी आप मुहारे एक दूजे नूं उत्साह देन लगे। बापू ए तां बुरी तरह जंगाली पई है, खबर है कदों दी छत च फसाई होई सी। जंगालिया लोहा ढिड च वड़ जे तां जहर फैला दिंदा है। अच्छा फिर तू क्यों कुर्बान तो ही जाना? ए तिखी करनी पैनी आ, खुबे भी बंदा मारे ता मोढ़ा लेके आ जावे। ना तुसी दोवे तैयार होई जांदे हो, फसल बाड़ी की दे आस रे है? तांती ए तू जो है ओ देख अपने आप तुरे जांदे आ बलद, एदे ही कणक नु एक पानी होर ला दे। बेबे वाडियां तक असी मुड़ी आउणा। मुगल वाडियां तक मुक जाणगे? सदियां च ना मुक्के। गुरु साहब ने हुक्म ही होण लाया, पहला हुक्म ला दंदे पहला मुका दंदे, साडा की आ? आ देखो मीतो कोठे जड्डी हो गई, एदे हाथ पीले कर लेंदे पहला रिश्ता भी आउंदा। बेबे मैं नहीं कराउणा ओदे नाल, मुंह चो ता लाला डिगदी आउंदे, मैं ता किसे सूरमे नाल कराऊंगी। सूरमा कित्थों लब्भीए तेरे लई? जिथे वीरा चल्या होर कित्थों? तुसी तिन्ने ही रले होयो, जाओ मरो। बेबे सिखा चो मरो नहीं शहीद होवो हुंदा। सिंगो पंजाब तो परते जथेदारा ने जो दस्या ते जो शिवालिक दे हालात मैं आप देखे, ओ तो साफ दिख रहा है कि जेड़ा पेड़ गुरु नानक पातशाह ने लाया सी ते शहीदा ने अपने लहू नाल सिंजिया, ओनू हुन फल लगन दा समा आ गया। सिंह साहब एक जरूरी गल करनी सी। दसो पान सिंह जी। कल्या नू दसन वाली है। हुन आराम करो, अद्धी रात नू चोणवे सिंह एक मुहिम ते जाणगे। लगदा होर जत्थे पहुंच गए। बंदा सिंह बहादुर दे पहुंचण दी खबर मिलदिया ही पंजाब जयकारियां नाल गूंज उठिया। ए दस गुरु साहिबान दी जगाई चेतना दा फल सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, मैं आ भाई भगतू जी दा पड़पोता फतेह सिंह, ते ए ने भाई रूपा जी दे खानदान विच्चों करम सिंह जी ते धर्म सिंह जी, ए नगाइया सिंह जी ने ते ए चूड़ सिंह जी, ए भी भाई भगतू जी दे परिवार विच्चों ही ने, ते ए ने साडे मलवई सिंह। इलाके दियां संगतां ने राशन भेजिया। बंदा सिंह जी ए पंथ दे हीरियां दी औलाद ने, इन्हां दे बुजुर्गां ने अपना जीवन गुरु साहिबान दी ताबिया च गुजारिया सी। जी आया नू, आओ दूजे सिंघां दा स्वागत करिए। सिंह साहब तुसी कित्थों आए हो? मालवे तो। सानू भूल के चौधरियां ने भेजिया। चौधरी तरलोक सिंह ते चौधरी राम सिंह ने भेजिया, तनखाहां भी ओही देणगे। तनखादार फौजी हो? सिख फौजी हां, आहू ला देंगे मुगलां दे, पर पिछे चुल्ले भी तो मगदे रहन। जी आया नो, प्रशाद पानी छको, पिछे जाके कारीगरां तो शस्त्र ठीक करा लो। डाकुआं तो बाद गुरु दे बंदे ने हकूमत नू सिद्धा ललकारिया। दिल्ली लजाया जा रहा शाही खजाना कैथल नेड़े पिंड बहून विखे फौजी टुकड़ी तो खोलिया। बोले सो निहाल, जय श्री अकाल।
खालसा जी, हुण वारी सिंघां दी। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੈਥਲ ਦਾ ਆਮਿਲ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। चंद के बंदे शाही खजाना लुट के लाए। ओ तेरे दी, खजाना भी बचा लिया है, त्याग भी बच गए हैं बादशाह दे गुस्से तो। बोले सो निहाल। अपने सैनिका तो हथियार सटवा, मुगला दिए पूछे हथियार सटवा। हथियार सुट दो। उच्ची बोल, उच्ची। सैनिको हथियार सुट दो। खजाना ले जाओ, जान बख्श दियो खालसा जी। ओए आमिल, तीर उड़े फड़ा, ए ताए में निशान नहीं परखिया सी। ए तीर जे तेरे सीने च लग जांदा आमिल। नहीं नहीं, इंज ना करी। ए शाही खजाना मंदर लुट लुट के परया है आमिल। हैं? हाँ, गरीबां दा खून पसीना एना ही पवित्र हुंदा है। ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਮਲਦਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਮਿਲ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਿਵਾਕਾਲ। ਕੈਥਲ खालसे ने जित लिया, पर इससे हिंदू प्राणू मुड़ अमल थाप दिता। निगरानी लई खालसा पंचायत बैठेगी। एक घोड़े, ए असला ते शाही खजाना सब खालसे दा, ते अगे तो लगान भी खालसे नु देंगे। सिंह साहब, दिल्ली दरबार किस पासे है? इस पासे। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬੁਖਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਭਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਧਮਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਪਰਗਣੇ ਲੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ,
ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। सच्चे पातशाह की अपार कृपा, अज बाहर भी सिख ही तैनात ने। सवेरे तोते उड़ जाएंगे वजीर खान दे। चलो चलो, किसको इत्थों? सुचानंद, आली माली भरावां नूं बंदे दियां लुट्टां ने उकसाया। पेंडू गवार है जन्म जात लुटेरे। जनाब, निक्कियां मोटियां सब जातां पुत्रियां पईआं। पर सुचानंद, हिंदू क्यों सिखां दे चांसे च आए होए? सच बहुत बेलिहाज है हजूर। पावे बेलिहाज हो के दस, मैं सच जानना चाहना। जनाब, हिंदू ही नहीं, अंदरों मुसलमान मुलखिया भी सिखां दा हमदर्द बनया होया है। हाँ हाँ, एहो सुनदा रहें। पर है क्यों? अपने दोहां दे मजहब आवाम नूं नाल रखण विच नाकाम रहे। जनाब, गरीब गुरबा जेड़े मर्जी धर्म दा होवे, पर प्यार उसे नूं करदा है जेड़ा ओदा दर्द वंडावे। यानी के वधीकी करन वाले नूं नफरत करदा है ना सुचानंद? जी जी नवाब साहब। यानी के ऐसा माहौल बने लगे के बंदा गरीबां ते वी जुलम कर रहा है। बंदा गोविंद दा चेला है हजूर, गरीबां ते जुलम नहीं करेगा। लगे सुचानंद, लगे वजीर खान की नहीं कर सकता। वजीर खान नू ललकार के आउन वाले ओदे अपने ही दो फौजदार आली सिंह ते माली सिंह। स्वागत है दशमेश पिता दे पुत्रो। डाकू जी, एक गल दसा, इस हवालात उच्चे रुतबे वाले नू रखिया जांदा है। ओए, तू सानू दुखी तिक्की समझदा है? नहीं नहीं, मैं कहना जेड़ा भी इत्थे आउंदा है हवाला तोड़ के दौड़ जांदा है। ए बकवास, तू सानू क्यों सुना रहा है? मेरा मतलब है, थोड़े दिन पहला वड्डे ओहदे वाले दो फौजदार दौड़ के बंदा बहादुर नाल जा रले, आली सिंह ते माली सिंह। ओ यार, तू सिर ना खा। मेरा मतलब है, तुसी भी दौड़ के बंदा बहादुर कोल जाओगे। क्यों? आ बैल मुझे मार। ओ मूर्खो, माफ करना डाकू जी, वही तो मैं कहना भी दुश्मन डाढ़ा होवे ता सीधी टक्कर नहीं लाई दी, बदनाम करके वसा के मारी दा नेड़े होके। तेरा नाम की है? लोकी मेनू खसमा नु खाना कहंदे है। चला जहा लगदा पर पतंदरा हां, तू गुंजलदार। मैं क्या, बदनाम बंदे नु ता अल्लाह भी नहीं बचा सकदा। मेरी मनो ता अपने डाकू थे भेजा करो जिथे सिख हल्ला बोलन, नाले माल मत्ता, नाले रंग रलियां, दब के करो खून खराबा, नफरत फैलू, बदनाम हो, मरू, एदा बदला लो। ओए सा भी लै लै, पकाई मारी जाना। मेरा मतलब नवाब वजीर खान दा भी तुहाडे वांग नक च दम कीता होया है बंदा बहादुर ने। जे इस पासे लग जाओ तो फिर वजीर खान भी तुहानू क्यों फड़ू? फिर तो कहो पुत्रो लगे रहो, लोकां दा नक च दम करो ताकि बंदे तो बचण लई नवाब कन्नी दौड़न। बोलण दी रफ्तार घटा ना, ऐ दस साडे भजण च तेरा की फायदा? मोटी रकम इथों सही सलामत करना मखौली। ओ आप मरेगा सालिया राणी खां दिया, नाले सानू मरवाएगा। ना अगे ना मर गया, आली माली क्यों नहीं मर गए? मैं ही भजाई सी। अच्छा, चल फिर दे देंगे, पर देंगे बाहर निकल के। ओदा इहदे च उधार नहीं चलता, सुनिया है डाकू जबान दे पक्के हुंदे। मन गया, दिन वाला गार्द आ गया, कल तैयार रहो। माफ करना हुजूर, तुहानू जहमत दित्ती,
नवाब साहब पूछणगे तां की दसां? नवाब साहब नूं दस दिओ, काम हो गया, बाकी दा सबक मैं कल पढ़ा देंगा। सिंह भी हुण काफी हो गए, जोश भी ठाठा मारदा, हुण सीधा सरहिंद नूं पैणा चाहीदा। अजे साडी ताकत वजीरे नाल मत्था लाउण जोगी नहीं। खालसा जी, कदे भी जंग नाल जुआ नहीं खेडना चाहीदा, दुश्मन दे गढ़ ते हमला नहीं करीदा, ओनू अपने मिथे मैदान च आउण लई उकसाओ, जित यकीनी बनाओ भावें छोटी ही होवे। तावा आम लोकां दीआं भावनावां दे अनुकूल होना चाहीदा। ऐस वेले समाणा ही टुकमा निशाना, वट्टे मगरमच्छां दा शहर, किसान मजारे बगावत लई तैयार बैठे ने। डेयरी गरीबां नूं भी जलील कीता होया। भाई सैयद जदों पालकियां च बैठ के निकलदे ने ना, तां लोकां नूं सिर चुका के सलामां करनियां पैंदियां ने। बिल्कुल ठीक, नाले जल्लादां दा झटका करांगे। एक होर कलंकी भी है समाणे दा, अली हुसैन। औरंगजेब दे नां ते कुरान शरीफ दियां झूठियां कसमां खाण वाला। गुरमता प्रवान होवे जी, समाणे ते चढ़ाई करांगे। सितम घरों बस कर
समाणा वासियो, बंदा सिंह बहादुर दा ऐलान। खालसा सारे धर्मां दा बराबर सतिकार करदा, दुश्मनी केवल जालमां ते लोटुआं नाल है। आम शहरी किसे भी डर पै हेठ ना रहे, बजुर्गां बीबियां ते बच्चियां दा वाल विंगा नहीं होण देंगे। शहर वासियो, दूजियां दी किरत कमाई हड़प्पण वालिया ते जलादा नूं सजा देण लई साडे नाल होवो। जलादा दे घर मैं दसदा, चलो मेरे नाल। असीं भी जांदे आ। खबरदार, सिंगां नूं ललकार के बच जाओगे। बली चाहुंदे हो तां हथियार सुट दिओ। सैखो, अमीरो, जागीरदारो, सिंगां दा सबर ना परखो, अजे भी मौका है, हथियार सुट दिओ। नवाब साहब, अल्लाह खैर करे, दुश्मन टिड्डी दल वांग डिगा। बरखुरदार, डटे रहो, जदों तक वजीर खान दी फौज नहीं पहुंच जांदी। अब्दुल्ला दे अब्बा, हाथ खड़े कर दियो, दे दियो जो कुछ पेटियां च पे है, मर गए तो एक ते तर के ले जावांगे। बोले जमदूत, या अल्लाह। डरो ना, तुहानू कुछ नहीं होण लगा। ओ, इधर नहीं जाना। इधर की है? इधर बीबियां, शायद नवाब दी मटियार थी ते ओदी बौटी। ओए, किते नवाब इना दे मगर तां नहीं लुकिया होया? गरीबां ते तां बड़ी डांगे उठदी सी, हुण बहादुरी किथे गई? ओ, बाद च सिजांगे थोड़े नाल गद्दारो। सिंह साहब, साडी नरमाई ने दुश्मन दा हौसला वधा दित्ता है। मारो खालसा जी, जिस पासो वी तीर आवे गोली आवे अग ला दिओ। मारना नहीं, कोई वड्डी गड़बड़ है, ज्योंदे नूं बंदा सिंह जी को लेके चलो। सिंह साहब, साडे च डाकुआं दा ग्रोह घुस गया है, 30 कु जाने ने। ओ खड़े, इन्हां दे साथी, तुसी सारे एक ग्रोह दे तां लगदे नहीं? जी जी, हां जी, तीन सरदारां दे। तिन्हां दी सांझ की है? सांझा बदला लेना। बदला खालसे तो लेंदे, निर्दोषां ते हमले क्यों कीते? सरदारां दा हुक्म सी हजूर, तन हाथ लगे भावे ना लगे, मासूमां दा खून बहाना ते औरतां दी
बेपति करनी। ए डाकू नीति नहीं, राजनीति है। सिंगो, पर्दे पीछे कोई सियासी खेल खेडी जा रही है। सिंह साहब, आज सूरज दा गुलाल देखो किन्ना सोना लग रहा है। खालसा जी, ए सूरज नहीं, वतन दी सरजमी ते नवे युग दा आगाज होया है। पहली किरण समाने ते पई है। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਫਿਰਾ, ना तू जालसाजी करता, ना गुरुजी अनंतपुर छड़ दे, ना परिवार ते पंथ खेरू खेरू हुंदा, ना साहेबजादियां दिया शहीदियां हुंदिया, सब दुख के नौना मुजरम ता तू है। मेरी गुस्ताखी दा इना खतरनाक नतीजा निकलेगा, पता नहीं सी, माफी दे दियो। माफी नहीं, मुक्ति देंगे, थोड़ा सबर कर। जलालदीन, तू भी अपनी जान बचाउन लई ही चांदनी चौक च गुरुजी दा सीस धर तौला कीता सी। मजबूर सा खालसा जी, मजबूर सा। मजबूर सी? ओदों ता अपनी शान समझदा होएगा कि शहनशाह ने यह मान तैनू बख्शे। बख्श दियो इस पापी नू। अपने सज्जे पासे देख, हुसैन अली खड़ा है। चांदनी चौक वांग अज भी अपनी जान बचाउन लई एदा सिर वटेगा। होर पाप ना कराओ हुजूर, होर पाप ना कराओ। जलालदीन, सरहिंद दे जल्ला दो साशल बाशल, हुण नहीं तुहाडे सिर ते मौत मंडरा रही। बुझ दिलो, जे वजीरे दी दित्ती मौत कबूल कर लेंदे ता जल्लादा तो फरिश्ते बन जाते, हम मरोंगे। हुसैन अली, तू दो धर्मां दा मुजरम है, तेरा रुतबा भी उच्चा है, इंसाफ पहला तैनू क्यों ना दिता जाए? हुसैन अली, ए है सिरसा नदी दा कहर, परिवार विछोड़ा, वट्टे साहिबजादियां दी शहीदी, छोटे साहिबजादियां दी शहीदी, माछी वाड़े ते जंगल दिया सूला। साशल बाशल बारे फैसला गुरु दी संगत करे। आस पास वास्ते लोको, कसम पिता
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे हुक्मा नाल खालसे ने तुहाडियां गर्दना उपरों मुगलां दा जूड़ा ला दिता है। तसां नौहां दी किरत करन वाले अपनी कुट्टी चूरी हुण आप खाया करनगे। अपने पिंडां दा राज भाग हुण खालसा पंचायतां बना के चलाओ। इलाके दी देख रेख फौजदार भाई फतेह सिंह जी करनगे। बोले सोनिहाल। इना अपाहजा ने की कर दिता? एक दी अख नहीं है ते एक दा हाथ नहीं है। ए आपे दसणगे। कौन हो तुसी? सानू वजीर खान ने जसूसी लई भेजे है। ओहो, फौज भेजन दी था जसूस भेजे है। खालसा जी, जे संगत नू परवान होवे तां बंदा सिंह जी बहादुर वालों वजीर खान नू लिख के भेजा जाए। जालमा त्यार हो जा, खालसा सरहंद आ रहा है। टुंडे ते काने दा मुंह काला करो, एक परवाना इना दे हाथ फड़ाओ ते जुत्तियां मार के समाने तो तोरो। पिंड वाले ओ, ओ पिंड वाले ओ, गुरु दे बंदे ने समाने ते कब्जा कर लिया। कदों चाचा कदों? राती भी राती। ओ असी तां उड़ीकदे ही रह गए। सिंह साहब जी, समाणा फतेह दी सियासी अहमियत नूं समझो। खालसे दे राज दी नींह रखी जा चुकी है। जेकर जोधपुर अंबर ते उदयपुर दे राजे साडा साथ दे देन तां दिनां च ही मुगल राज दी सब लपेट देंगे। जे उन्हां ने गुरु साहब दा साथ नहीं सी दित्ता साडा की देंगे? उदों ओह बहादुर शाह दे चुंगल च सी ते हुण उन्हां दा विगाड़ पै गया। ओ किवें? बादशाह राजिआं नूं दखण लै के गया सी। काम बख्श दे कतल पिछों राजे चुपचाप दौड़ आए, हुण बगावत कर दित्ती है। हुण बादशाह उन्हां नूं तसीहे दे के मारेगा। जे उदों गुरु जी दी मान लैंदे तां चंगे ना रहिंदे। मौका प्रस्त मौके मुताबक चलदा है। हुण अपने बचा लई साडे नाल हथ मिलाउणगे। फतेह सिंह जी, कलम दुआ चुको, चिट्ठी लिखिए, असी हथ वधाईए। जे हुंगारा मिले तां मैं आप लखी जंगल विच्चों दी होके अजमेर चला जावांगा। पंजाब च की चल रहा है? जहां पना हालात साजगार नहीं, बिगड़ते ही जा रहे हैं। बिगड़ते जा रहे हैं? हालात बयान करो। बेहतर जनाब, प्रतीत राव हरकारे दी खबर है कि पंजाब च एक बंदे ने अपने आप नु गुरु गोबिंद सिंह ऐलान किया होया ते ओदे दुआले लोकां दी भीड़ जुड़दी जा रही है। दूजे पासे वजीर खान दे वकील दी खबर तो पता लगता है कि सरहिंद सूबे दे गुआंडी परगणियां नूं सिखां ने लुट-पुट लिया। सूबा पंजाब च थां थां गड़बड़ां फैला रखियां। वजीर खान दे बहुत सारे बंदे मारे जा चुके ने। उच्चे उच्चे औहदियां ते रहे दामला दे अफगानियां नूं तां मिट्टी च मिला दित्ता। गड़बड़ां बयान करो। समाणा जितन पिछों अगले 10 दिनां च ही बंदा बहादुर ने 7 होर किलियां ते कब्जा कर लिया। पीर भीखम शाह दे कस्बे कड़ाम नूं भी नहीं बख्शा, जिने नौवें नानक दी मिसाली मदद कीती सी। सनौर, ठसका, थानेसर, शाहबाद ते मुस्तफाबाद नूं तां मसल ही दित्ता हजूर। मुकाबला करन वाला कोई नहीं सी? कुड़ाम दे पठाना ने तां कुछ देर मुकाबला कीता पर मुस्तफाबादिए तोपां ही छड़ के दौड़ गए। हालांकि उन्हां कोल 2500 लड़ाके फौजी सी। अपनी रूहानी ताकत दियां फड़ा मारन वाले ठसका दे पीर नीवे होके बंदे अगे पेश होए। लेलड़ियां कड्डियां हजूर। कुंजपुरे च वी वजीर खान दी फौज तों 2 तोपां ते कई घोड़े खो के लै गए। खबर भेजन तक काफर सडौरे वल बद रहा सी। खबरनामा पूरा करो मनियम खान। सिख जिथे भी जाते अपने गुरु की दुहाई पिट देने। नाल ए भी दावा करते ने कि एक सैयद भी अंदर खाते उन्हां नाल मिल चुका। दुआबे दे खाली पे कई परगणियां ते काफरां ने कब्जा जमा लिया। लानतियां ने लाहौर च भी दंगे फसाद खड़े करके बहुत सारे लोग मार दिते। सिख हर मुठभेड़ चो जित के निकलते ने। पता नहीं हजूर उन्हां अंदर की भरिया होया। दूजे किलिया दे फौजदारां नूं इतलाह करो, वजीर खान दे नाल होण। ऐमनाबाद दे फौजदार नूं भी कहा जाए रुस्तम खान दी मदद करे। लाहौर दे आस पास नानक प्रस्थान नूं कुछ दित्ता जाए। सलीम खान, कौन है ये बंदा? मैनूं बक बक नहीं चाहिदी।
ऐसा शख्स लभो जेड़ा इहदे पोतड़ां दा वाकफ होवे। बहुत ही शिकायतां आ रही हैं कपूरी दे नवाब कादम दीन दियां। ए हरामखोर पापां दी कमाई दा पलिया होया। इहदा प्यो अमानुल्लाह औरंगजेब दे समय काठियावाड़ दा बदनाम सूबेदार सी ते ए अपने प्यो दा वी प्यो निकलिया। ओदन जिहड़े हिंदू आए सी घट्टो घट 20 पिंडां दे होणगे। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਕਾਂ ਤੱਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੱਭਰੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ दसो, मैं हां गुरु दा गुलाम। मेरा नाम जंगी है, मेनू अपने नाल रलाओ। एक किरपान किथों लई है? मेरी मां ने दित्ती है, उन्ने कहा गल गुरु दे बंदे नू दसी। चल दस की गल है। मां देख अपने खेतां दे खरबूजे हदवाने मिठे शहद वर्गे। चुप क्यों है मां? मुंह ते की होया? राणो किथे है? अंदर मंजे ते पई है। तलवार? तू अजे सुरत नहीं सी संभाली, जदों मुगल बुरछे पिंड दे मर्दां दी भीड़ सामे मैनू चुके लै गए। कोई ना कुसकिया, तेरा बापू दौड़ के गया, एक किरपान ले आया। जिन्ने चोगा सी लड़िया पर जालम कतल करके सुट गए। तू घड़िया च रुड़ता रहा। पहला क्यों नहीं दस्या? हुण तक तेरी बेपती दा बदला ले लिया हुंदा। हुण तू अपनी राणो दी बेपती दा बदला ले चंगी। एक की कह रही है मां? हां हां, तेरी राणो भी ले गया कादम दी। पुत चंगी, तेनू दसवें गुरु दे लड़ लौना सी पर देर हो गई। हुण तू गुरु दे बंदे खोल जाई, नहीं तो राणुआ दे सिरा तो चुनिया लेंदिया ही रहनिया। पुत जंगी, मां दे दुद्ध दी लाज रखी, असी नू सस रल मिल के रंडे पा कट लांगिया। जिंदा नहीं छटांगा कादम दीन नू। खालसा जी, सडौरे जान तो पहला कादम दीन नू सजा देंगे। अपने भरा कामबख्श की हत्या करन पिछू बहादुर शाह नू इन्नी खुशी चढ़ गई कि उन्हें 3 महीने जशन मनाउण दा ऐलान कर दिता। परंतु लाहौर ते सरहिंद दे नाजमां दियां चिंताजनक रपटां ने उहदे रंग च भंग पा दित्ती। मैं चाहुंदा सी इत्थों दखन वल कूच करां ते 6 सूबयां दा पुख्ता प्रबंध बहाल करके आवां, लेकिन जलील बंदे दियां हरकतां ने मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिते। फसादियां दा ग्रोह होर बलवान होई जांदा सुल्ताने हिंद। बंदा बहादुर तो पहला मैं राजपूत राजा नूं सबक सिखाना है। उन्होंने मेरे नाल गदारी कीती है। सुल्ताने हिंद, उन्होंने हिम्मत तां देखो, वापस जाके पहला उन्होंने मुगल हुकूमत दे नुमाइंदे कतल कीते,
फिर अपनी आजादी का ऐलान कर दिता। उन्होंने यह भी कहते सुनिया गया कि जेड़ा सुल्तान अपने भरावां की जान ले सकता है वो सानू कद बख्शे। नहीं बख्शांगा, नहीं बख्शांगा बंदा बहादुर। ओए ड्राकलो, ओए बुजदलो, ओए एवें कही जाने हो सानू लड़ना नहीं आउंदा। ओ लड़न दा की है ओए, बंदे च हौसला होना चाहिदा। ओए नरेणिया, ओए तैनू लड़ना आउंदा होर ना भी ना कम की है। आ देख ओ गंडासा, एयों कमा के सीधा मारना है। ओए बंद करो खप खाना, हस हस के गुस्सा ठंडा करी जाने हो, कुरी वट के रखो। ओयो आ गए, ओए आ गया बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर आ गया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। देर नाल ही सही तुसी हौसला फड़िया, सच्चे पातशाह सहाय होंगे। जालम आदमी अंदरों बुजदिल हुंदा है, ओ उन्नी देरी शेर हुंदा है जिन्नी देर कोई ललकारे ना। कादम दीन उत्ते जिन्ना मर्जी गुस्सा कटो, पर कोई भी गैर इखलाकी कम नहीं करना। गंदे ना बनो, सगो गंदे आदमी नू कादम दीन कहा करो। कोई भी गिरिया कम नहीं करांगे, है भाई? नहीं करांगे, नहीं करांगे। बद इखलाक नू की कहा करोंगे? कादम दीन, कादम दीन। जाओ टुट के एक ना बचे, बोले सोनिया। क्यों हुण सुना? सावा से भी नरेणिया, सावा से। ओ देख एक होर डिगा। देखदे कियो, ओ फूक दियो महल विच्चे कादम दीन। काम त्या कीड़िया कादम दीन, खिसकदा जाना है हुण, अणख दा सामना कर। मैनु माफ कर दियो जंगी सिया, कर ले मन ठंडा। रैन दे जंगी सिया, ए तोहफा कादम दीन नू दे दे, तैनू बंदूक ले देंगे। नहीं नहीं, इस पापी दे लहू नाल बड़ी तलवार मैं अपनी मां नू मोड़नी है। गंदा लहू, बच्चियों घबराओ ना, पगदड़ ना करो, सिंह तुहानू करो करी छड़ के आउणगे। जंगी जंगी मैनू ले जा इत्थों, जंगी मैनू ले जा इस नरक च, जंगी मैनू ले जा, जंगी मैनू ले जा। हे बाबा नानक, अज तू नवी रोशनी दिती है। केड़ी रोशनी सिंह साहब?
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ 10 ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟਕਰਾ ਗਏ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਬੁਲਾਓ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ? ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੁਝਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਆਫ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਮੱਠ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਏ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ। ਕੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰਾਠੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 6ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਨਬੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਮਸਾਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਔਗੜਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੋਨੀ ਜਾ ਲੁਕਿਆ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਮਾਧੋ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੌਲਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਸਾਧੂ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤ। ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਿਆ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕਮੀਣਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਕਮੀਣਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਪਰਿਆ ਰੋਏ ਆਏ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਡੌਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪੀਰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਓ ਅਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜਿਆ? ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸੂਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ? ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਤੌਬਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ।
किले उत्ते तोपां तक बीड़ियां होईयां। पर फिर भी सडोरे दे हालात उन्ना कस्बियां वर्गे नहीं जिथे तुसी पहला जंगा लड़के आए। सडोरे च केड़ी वक्री मुसीबत आ सकती है? वक्री मुसीबत कोई नहीं, बल्कि पहला नालों आसान रहेगा। जागीरदारां ते उमरा दे छोटे जिहे टोले नूं छड्ड के सारा मुसलमान मुलखिया उस्मान खान नूं नफरत करदा है। पीर जी दे मुरीद कदे नहीं भुलणगे जिवें साडे दादा पीर बदरुद्दीन शाह नूं उहने तसीहे दे के मारिया सी। सिख वी कदे नहीं भुलणगे। पर यकीन जाणियो कि उस्मान खान दी फौज च वी पीर जी दे मुरीदां दी गिणती घट नहीं। जिहड़े अखलाक नूं इबादत मानदे ने ओह वी जंग च अपना रंग दिखाउणगे, सच्चे पातशाह सिर ते हथ रखणगे। पर मैं तां इह जाणदा कि उस्मान खान ने उस पीर बुद्धू शाह जी नूं तसीहे दे के मारिया जिस नूं मेरे दशमेश पिता ने अपने सीस दी दस्तार बख्शी सी। पीर जी मेरे की लगदे है तुसी समझ ही गए होवोगे। तुखा मुड़ा देंगे उस्मान खान दा। खुदा हाफिज खालसा जी, असी चलते हैं। उम्मीद करिए कि अगली मुलाकात सडौरे दे किले अंदर होएगी। वाहिगुरु मेहर करेगा, फिर भी चौकसी नाल जायो। उस्मान खान, वीर बदरुद्दीन बुद्धू शाह जिंदा, वीर बदरुद्दीन बुद्धू शाह जिंदा रहेगा। बोले उस्मान खान, तू एक महान पीर नूं तसीहे दे के मारिया जिना गलियां च तू निर्दोषां दा लहू वगाया है, उन्होंना गलियां चों तेरी देह दे टुकड़े कसीट के लेके जांगे। दशमेश गुरु दी कृपा सदका एक होर आदम खोर दा अंत होया। सिखी ने सदा सलामत रहना है ते सदा ही जिंदा रहणगे पीर बुद्धू शाह जी। आओ देखो उस्मान खान दे जोटीदार गौआ दा घा खा रहे है। हजूर, सानू उस्मान खान दे जुल्मां नाल ना जोड़ो। असली बुच्चेड़े ही ने पखंडी चार जमाने दे। हुण इक मौका दे दिन्ने आ, जदों मूंह चो घा सुट देंगे ओदो देखांगे। जे फिर ओही करतूत करनगे तां तुहाडी अपनी पंचायत हुक्म सुनाएगी। ओ सिंह जी, ए तां एवें ही कहण दियां गल्लां, कदे गरीबां ने भी हुकूमत कीती है? हुण करनगे। दसम पातशाह ने अनहोनी नूं ही होनी करन लई खालसा सिरजै। भाई दया सिंह जी, तुसी किले चो निकलिया शाही खजाना गरीबां च वंडाओ, असी आए। गुरु गोबिंद गुरु गोबिंद बंदा थापिया इक सूरा चंगी,
ओ चिड़िया जदों नंदेड़ तो कुल धरती कंबी ओदे खंडे ने लहू पीने आधी रत मंगी जिन फड़िया गल गरीब दा जिन फड़िया गल गरीब दा ओदी नपी संगी जिन फड़िया गल गरीब दा ओदी नपी संगी शाही छीन के दुखिया नू बंडी छट जगीरा दौड़ गए छट जगीरा दौड़ गए वे लड़ पखंडी करता है जितले परगने हकूमत टंगी उन्हें ले गुरां दा थपड़ा पल मारी चंगी उन्हें ले गुरां दा थपड़ा पल मारी चंगी पल मारी चंगी मल मारी चंगी पल मारी चंगी निजाम जुल्मिया बदलना मज़लूमा दिलावी पूरी करांगे आस उनो दिन दूर नहीं जदो पंजाब दी सरसबज जमीन उते खालसा अपना राज कायम करेगा जिस दी राजधानी होएगी उते जल्दी ही सिंगो जल्दी ही भाई गान सिंह जी तुसी साढ़े मगर आए हो सडौरे सब ठीक ठाक ता है सडौरे ता ठीक ठाक है पर मुगल फौज विच्चों दौड़ के एक सिपाही सिंह आया घबराए क्यों होयो वो दस रहा कि राजपूत राजा नाल साड़ी खतो खताबत दा हकूमत नू पता लग चुका साडा तालमेल अजे गुप्ती रहिंदा ता चंगा सी इसे करके सानू हुण जल्दी ही कोई होर पैंतड़ा सोचना पेगा पहला राजा वल्लों जानकारी लई है फिर अगला पैंतरा सोचांगे और अपना मिथ्या मंसूबा नहीं बदलांगे तैयारी रखो बादशाह नाल आर जा पार दा युद्ध लड़िया जाना है बाकी होए राजपूत राजा नाल मोर्चा बनावांगे उन्हां नूं कहांगे कि पहाड़ी राजा दी आत्मा नूं वी चंजोड़न मुगल हकूमत नूं हमेशा लई गलो ला देंगे पहला वजीर खान दे जुल्मां दा हिसाब कर लईए सारा नगर इकट्ठा करो ऐनू किले अंदर बंद कर दियो खालसा पंचायत दे सिंह ऊपर आ जाओ सैयद शेख उमरा ते जगीरदार ऐस पासे ते बाकी सारे ऐस पासे हो गया ना वितकरा सैयद ओस पासे कोई ऐसा है जिदे नाल वितकरा होया होवे हुण हो रिया है अमीर एक पासे गरीब एक पासे सुनो ए चिट्ठी इस गिरोह ने वजीर खान नो लिखी है ए आदमी ए चिट्ठी लेके जा रहा सी ए ता दसो लिखिया की है लिखिया सडौरे ते हमला कर असी तेरा साथ देंगे सिख साडे ते भरोसा करदे है उना नू उलझा के रखांगे
बंदा बहादुर जे फड़िया ना गया ता दौड़ जरूर जाएगा, साड़ी जान छुट जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। इना दी इस करतूत बारे खालसा पंचायत हुक्म सुनावे। असी ता इना कुनसला नू पहले ही जानदे सी, तुहानू ही गम्मां लगदियां सी। तुसी ठीक सी, जिन्ना दे मुंह नू एक वार लहू लग जाए फिर मेवे उना दा टेड नहीं पार सकते। असी भी सिख लिया। जिन्हां ने पछतावा करना है ओ पीर बुद्धू शाह दी हवेली पहुंचन जल्दी। माझे ते दुआबे दे सिखां तों वी अपना जोश ठल्लिया ना गया। उन्होंने मोढ़ियां ते हथियार टिकाए ते आप मुहारे चल पए। गिनती 2000 ते पहुंच गई। ओए गजणा रुक जा। ओए भज्जू तू बंदूक। ए खरीदी किदां पल्ले तेरे ते लानी। मैं गया हरिए तों कर्जा लैण, ओ कंजर पैरां ते पानी ना पैण दवे। कहे तेरे कच्च तां मसां इक मंजा डेंदा, क्यों रखा गहने। बाहर निकलिया तो अख्तर हुसैन मिल पिया। वो बोलिया, ओए भज्जू जे हा कम करना ना ता चुक पैसे जिन्ने चाहिए। फिर खरीदी कितों। रुलिया की गल्ला करदा, खरीदी थोड़ी है अख्तर दी है। कहंदा पैसे छड़ मेरी बंदूक ही ले जा। मैं क्या महंगी हुंदी है, घर लिखा लै अख्तरा। कहंदा नहीं वो गोली कदे कदे मेरा ना लेके भी चला दिया करी। मैं क्या चल फिर इदे ही सही। मुसलमान ने अपनी बंदूक देती। वो मेरा यार है भाई, पर बंदूक को ने यारी च नहीं दिती। चुप चपीता जहा अंदरों दुखिया बैठा सी। कहंदा पापी वजीरे ने मासूम बच्चे मार के सलाम बद्दू किता है। साडे तो एक लंघ रेंदी दुनिया तक नहीं तोता जाना। चलो हुण सतलुज बाजा मारदा, बाकी जान पछाण कीर्तपुर पहुंच के करांगे। ओए बेड़ी दा प्रबंध कर लेंदे गजना। ओए भज्जू उदा कहंदा सी पिंड वालिआं नूं कदे अकल दी गल नहीं दसनी। ओ आ जा भज्जू आ जा। जहां पना जेड़ा काम दसवां नानक करना चाहुंदा सी ओ काम उसदे बंदे ने कर दिता। की कर दिता है गुरु दे बंदे ने। उन्हें राजपूत राजिआं नूं पूरी तरह अपने जाल विच फसा लिया। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। राजे कला नाल नहीं मनसवा ते जगीरा नाल फसदे है। ये हो चुका है जहापना। राजा ने पहला आपसी गठजोड़ किया है, हुण सिखां नाल मोर्चा बनाउण दी तैयारी च है। मैं आमद खान ते अमीन खान नू हुक्म भेज दिता है जोधपुर दे राजे नू मिसाली सजा देन। ए सारा कुछ ओही करवा रहा है। मामला अजीत सिंह तक ही महदूद नहीं, राजपूत राजे पहाड़ी राजयां ते भी असरअंदाज होणगे ते मराठे भी उठणगे। राजपूत राजे अजे दुचित्ती च नहीं, समझ नहीं पा रहे कि सिखां नाल रल के बनया बनया भी तां नहीं गवा लैणगे। यही मौका उन्हां नूं सांभण दा। ठीक है अजीम, उन्हां दा राबता तेरे नाल है, मना लै। जा फिर अजीम, तेनू पूरी खुल दे रहे हैं। I'm
सेवक सरदार पछौरा सिंह जी खास जानकारी देंगे। मैं भी दस देवा सिंघां दे ठहरन दा ते लंगर दा सारा प्रबंध सरदार पछौरा सिंह अते उना दे भरा सरदार किशोरा सिंह ने कीता है। खालसा जी, सिंघां ने आना ता सीधा कीर्तपुर ही सी, पर हुण उना ने गुरमता कीता के जांदे जांदे बसी बनूड वगैरा दा भी कंडा काटी दईए। ओए बनूड चल दिया बनूड। माली सिंह जी, ए कौन है? ए वजीर खान दा फौजदार है, गंडा मल। गंडा मल? कोई विचोलगिरी नहीं चलनी। कह दे वजीर खान नू हुण फैसला मैदान च होना है। सिंह साहब जी, ए हजार कु फौजी ते रंगड़ लई फिरदा है, कहंदा है बगावत कर आया। आली सिंह जी, तुसी इहनू किन्ना कु जानदे हो? मेल मिलाप तो कोई नहीं सी, पर जानदा मैं इहनू चंगी तरह आ। ए सुच्चा नंद दा लाडला भतीजा। सुच्चा नंद तो ही दुखी होके बगावत कीती है। हकूमत दा नशा मेरे ते खेड़दा सी, पहला मेरी जमीन दबली, हुण तनखा बंद करती। ए शिकायत वजीर खान अगे करदा? ओ सिर्फ सुच्चा नंद दी सुनदा है। वजीर खान नू तुखणा भी ओही दिंदा है। तुखणा के दिंदा है? पुछो ना जी, बाई जी नू ता पता ही है। आली सिंह नू कहा करे, एक ता खड़प्पा सप सामने हुंदा, चार सपोलिये किवें काबू करांगे, साहिबजादिया नू शहीद करवा के ही हटिया कमीना। तू ना रो गंडा मल, साहिबजादिया दी शहीदी दा हिसाब असी आपे कर लांगे। इनू लंगर पानी छकाओ, पखंडी लगदा है। शेर मोहम्मद खान दुआबे माझे दे सिंघां दा राह रोकण लई चढ़ पिया। उहदा भरा ख्वाजा खिजर खान, भतीजे वली खान ते नुसरत खान भी उहदे नाल ही जंग ते चढ़े। वजीर खान ने भी उहनां दे नाल अपनी फौजी टुकड़ी भेजी, जिन्हां कोल दो तोपां वी सन। सिख रहे हो, देख रहे हो, शेर खान दी फौज दा असला। तुहाडियां खुंडियां छवियां इत्थे की करनगियां? सतलुज तुहाडे लहू नाल वह तुरेगा। वजीर खान दिए झूठे, जे शेर मोहम्मद ने साहबजादिया लई हा दा नारा ना मारिया हुंदा ता हुण तक दरिया तुहाडे लहू दा वहंदा। अजे भी राह छड़ दियो यारी। ओए मेरे पिछे क्यों लुकी जाना? अख्तर हुसैन भई, पहली गोली तेरे वल्लों। ओए गजना, ओ बिच लगी। ओए मुगला मार लिया, मुगला मार लिया। अख्तर ने नचण नू भी कहा सी, गोली छक जाएगा भजू। नथू, एक गोली कट्ठे चलावांगे। खुदा दे फिटकारे होए काफरो, मैं ओही खिजर खां हां जिने चमकौर च साहिबजादिया नू ढेर कीता सी, ते तुहाडे गुरु ने रात दे हनेरे च तोड़ के जान बचाई सी। ओए बिशर्मा, जान तू बचाई सी, मुर्दियां च मुर्दियां वांग लेट के अपनी मरी हुई आत्मा दी तू जड़ी लाश चुकी फिरदा, आज ओनू भी दफन कर देंगे। चल बैगे जी, गुरु दे बख्शे हुए तीर समझ के चलाई। फौजदार खिजर खान मर गया। फुड़क गया ओए खिजरा। टुगड़ बोचो कुत्तियो, मेरे भाई दी लाश भी उत्थे छड़ के दौड़ आयो। शेर मोहम्मदा, जे मां दा दुध चुंगिया त
ता अपने भरा दी लाश चुक के विखा यारी। शेर मोहम्मद हार चुका है, लाशा चुक लैन दईए। शेर मोहम्मद खान जा ले जा अपने भरा ते भतीजां दीआं लाशां। ओ दुश्मनी जिउंदिआं नाल हुंदी आ, ओ मुरदिआं नाल नहीं। जा ले जा, एडी फौज लेके आया सी, एक लाश चुकी जांदा चंगा लगदा, हुण तां सजेगा भी। कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे न जाने कोई ऐसी मर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੜੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੁਕਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਤੌਸਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘੋ ਬਨੂੜ ਪਹੁੰਚੋ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਲੰਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡਰਾਈ ਹੁਣ? ਸੱਦਾ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝੋ। ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਖਰਦਾਰ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਚੁਟਕੀ ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹੈ ਨਾ ਚੁਟਕੀ ਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਪਸਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਰਖਰਦਾਰ, ਬਰਖਰਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
हिंदुस्तान अज इस्लाम दी ताकत दा मरकज हुंदा, लेकिन अल्लाह ताला दी रजा शायद ए नहीं सी। इस्लाम दे आपे बने रखवाले नू हिंदुस्तान दी फिजा च मेरे मजहब दी तेज रुमक दी हवा पसंद नहीं आई। लगा जहर उगलन सुल्तान अकबर दे खिलाफ, जेड़ा इस ख्याल दा मुदई सी के हिंदुआं दी होंद नू मन्नो, पर इस्लाम दी अहमियत बरकरार रखो और बेहतर बनाओ। पर जहांगीर दे हथ तलवार फड़ा के दम लिया, कट्टरता दी उस तलवार ने बेदीने ही नहीं खुसरो ते दाराशको वर्गे नरम ख्याल शहजादे ते सरमद वर्गे सूफी फकीर भी नहीं बख्शे। वक्त नू पुठा गेड़ा दे दिता जिनू जहांगीर दी शमशीर कहंदा सी, उन्हें ही सिखां दी कृपान पैदा कीती। हुण ओही कृपान आ रही है, ओही कृपान। कट्टड़ता दा खमियाजा भुगतो, कट्टड़ता दा खमियाजा भुगतो, भुगतो कट्टड़ता दा खमियाजा। बीत गया सो बीत गया, फिर का परस्ती दी लकीर पिट के बच जावांगे खुदा दे बंदियो। उधर सिखां वल देखो, पिंडा दे पिंड उमड़ के बंदा बहादुर मगर लाम बंद होए पए है। सानू भी वजीर खां पिछे लाम बंद होना चाहिदा है। हैदरी चंडा लहराओ, गाजी बनो, वजीर खान नु कहो तगड़ा होवे। वजीर खां दी मत मारी गई, अपना किला छट के साडे मैदान चौन लगा मूरख। जदों गिद्दड़ दी मौत आंदी है तां शहर वल नू भजदा है, पर जदों हाकम दी मौत आंदी है तां बाहर वल नू भजदा है। शेर मोहम्मद खान दे मोटे ते लाशां देख के भुखला आ गया हुण। इसे करके माझे दुआबे दे सिंघां नू राज घेर के मारना चाहुंदा है। हुण मौका है सिंह साहब, जदों किले तों दूर जावे सरहिंद ते कब्जा कर लईए। नहीं, खाली इमारता नहीं, वजीर खान चाहिदा है। दशमेश पिता दे सूरमे सिंगो, तुसी जिस जंग दे मैदान च नितरे हो उस जंग दा ऐलान 225 वरे पहला एक रबाब ने कीता सी। उस रबाब दी टुन ही बनी है तमक नगारे दी। सिंगो तपदी तवी अते चांदनी चौक देख रहे हो। सिंगो चमकौर ते सरहंद दी दीवार नू तको, गुरु दे लाड लियो दशमेश पिता दी छाती च खोबे खंजर नू देख रहे हो। आर्या नाल चीरे अपने मती दास ते देगा चुपल दे त्याले याद करो ते लिख दियो तलवार दी नोक दे नाल खालसा पंथ दी फतेह फतेह फतेह। खालसा जी, जे कोई मुगल सैनिक बचना चाहे ता मौका दियो, पर तहैया करो कि वजीर खान बच के ना निकले। शेर मोहम्मद खान, काफर बंदा पहला ही मोर्चा बंदी करी बैठा है, ऐदा ही एदे गुरु ने कीता सी। खिदराने दी जंग वेले टाब ते कब्जा कर लिया सी। नवाब साहब, लड़न लई असला भी चाहिदा है ते सिखलाई भी, भीड़ ने फौज थोड़ी बन जाना है। सुच्चा आनंद, अपने भतीजे गंडा मल नू समझा दिता सी ना चंगी तरह। फिकर ना करो नवाब साहब, जंग जदों सिखर ते पहुंची उदों रंग दिखाएगा गंडा मल। दलेर सिंह, सानू सब तो पिछे क्यों किता, आ गंडा मल तो भी पिछे। तावे दा बिगल बजाओ।
सपने साजो, हथियार चलाउन दा वल भी होना चाहिए। खोलैन नाल ही नहीं चल जांदियां तोपां। शेर मोहम्मद खान, कलंकियां नूं दिखाओ के तोपां चलाई दियां किवें है। ओए खुदा दे फटकारिया बंदिया, ओए शाही फौजां दा मुकाबला कमियां कमीणा नाल करेगा? अंकड़ बाजा दी औलाद, एहो जिहा मेणा पेंदे खान ने भी मारिया सी छेवीं पातशाही नूं। याद कर, गुरु दे सूरमे कमियां ने छक्के छुड़ा दिते सी करतारपुर दी जंग च। बेशर्मा, तेरे पेंदे खान दी लाश चुकन वाला भी कोई नहीं सी लभदा। गुरु दे शेरो, हाथियां दे नक च दम कर दियो। तोपां दा इक वार नहीं चल होया। तेरा गंडा मल गद्दारी कर गया लगता है, ओ क्यों नहीं दौड़िया? दौड़ेगा हजूर, जरूर दौड़ेगा। शेर मोहम्मद खान, शेर शिवा बर मोहे है, शो कर मन दे कब हूँ न डरो ना डरो, बजाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो। हर सिखों अपने ही मन को अहलाल कहो, गुण को उच्चरो, जब आव के आव दिन दान बने, जब आव के आव दिन दान बने, अति हीरन में तब जूझ मरो। मंगल से किवे मजे ले रहे हैं? छुड़ा मैनू, तेनू मजाक सोचदे। फ्रेबिया, सानू ता पहले शक सी तू दगा देगा। तश्मीश पिता, चलिए ते मखौटे पास पिट दिखा गए। दुश्मन पारू हो चुका है, सीस तली ते रख के लड़ रहे सिंगां दी सहायता करो। अपने बख्शे होए तीर नू जंग च कुदन दी आग्या दियो। बोले सो निहाल सियाकाल। पहला ये काम कर दिंदा गुरु दिया बंदिया। गुरु जी ने औखे समय ले ही तीर बख्शिश कीते सी। शेर मोहम्मद खान, ऐथे ही रुक जा। खबरदार जे कदम अगे बताया, मैं तेरे ते वार नहीं करना चाहूंगा। चला जा। राक्षसा, मुसलमाना दे लहू दी नदी वगा के हुन रहम दिली दा पाखंड कर दे। मुसलमाना दा नहीं, लहू पीणिया दा लहू वगाया, जिन्हां ने गरीब मुसलमान भी नहीं छड़े। पर तू कदे सच्चे मुसलमान दा किरदार निभाया सी। तेरियां हासो हीणिया दा मेरे ते कोई असर नहीं। जंग जू है ता मेरे नाल जंग कर। शेर मोहम्मद, दहशत गर्दा, वड्डिया तलवार बाजा, तू अपने आप नू बाज को होना, अज तेनू भेज दियांगा तेरे पाजा वाले को। ओए आदम खोरा, ए ता तन पाग होणगे मेरे, पर तेनू भी उत्थे ले जाके सुटांगा गुरु जी दे सामने। पाज सिंह जी,
जालिम आ गया अड़के जावे ना। तैयार हो जा गंदिया कुत्तिया। चटका दिता भेड़िया वजीर खान मारा गया। बोले सोनिहाल खालसा जी तुसी एहो जे बेकिरक हाकम दांत कीता जेड़ा संसार ने पहला कदे नहीं वेख्या होना। पर एदे जुल्मा दे पन्ने लोग ओनी देर यकीन नहीं करनगे जिन्नी देर इसदा कलम कीता सिर अखी नहीं देख लेंदे। अज इनू एथे ही जंड ते टंगांगे। कल सारी सरहंद च घुमाया जाएगा। आओ हुण अपने शहीदां दा संस्कार करिए। वजीर खान दा ताड़ा मैं दलेर सिंह नू वजीर खान दी लाश वाले कोड़े मगर कोड़ा दड़ाउंदे वेख्या सी। बाज सिंह जी किसी तरह दोपां दा मुंह बंद करो। सैकड़े सिंह शहीद हो गए ने सिंह साहब। कौमां दे इतिहास ऐदां ही लिखे जांदे आ। खालसा जी जे जालम हाकम मर भी जावे तां जुल्म दा अंत नहीं हो जांदा। हाकम सिर्फ नुमाइंदा हुंदा है एक ग्रोह दा जेड़ा हार के भी हार नहीं मानदा। वजीर खान जेड़े जालम तबके दा नुमाइंदा सी मजलूम उन्हां नूं चंगी तरह पछाणदे है जिन्हां ने उमरां जलालत च बिताईयां जुल्म सहारे ओ भी अपना गुस्सा ठंडा करके हटणगे। पर मजलूम दा गुस्सा बहुता लंबा नहीं हुंदा। ओ दुश्मन ते भी जल्दी तरस खा जांदा है। सिंगो सुचानंद वर्गे जालमा दी पाल करो। सुचानंद, ओए सुचानंद, मैनू पछाणिया?
मैं बालकिशन। बालकिशन, की दुख लगता है? सुचानंद, केड़ा जुलम रह गया जेड़ा तू साडे वर्गे नेताणियां ते नहीं टाया। जदो तू मेरे वसदे रसदे घर दा समान कुरकण आया सी, उदो ऐ दो कौड़ियां पिछे छड़ आया सी, जेड़ियां मैं अज दे दिन वास्ते सांभ सांभ के रखियां। आले ले जा अपनी अमानत, ताके मेरे मन दा बोझ हल्का हो जाए। बोले सो निहाल। तस्वीस खिराज नमाल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, खैर सदा मेरे पाई। हुण हुक्म होआ मेहरवान दा, पै कोए न किसै रंजान दा, सब सुखाली बुठिया एह होआ हले मीरा, सोई मारिए जह मुए सुख होए, पलो पलो सबको कहे, पलो पलो सबको कहे, गुरु न माने को माया होई नागनी, माया होई नागनी, जगत रही लपटाए, जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे, इसकी सेवा जो करे, तिस ही को फिर खाए। माया होई नागनी, माया होई नागनी, संपत रथ तन राज से ओ अपने हो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, राजमाल रूप जात, राजमाल रूप जात, रोबन पंजे ठग जेनी ठगी जग ठग गया, किने ना रखी लज, जिस सिकदारी तिस कुवारी, जिस सिकदारी तिस कुवारी, जा कर के डरना जा सिकदार पवे जंजीरता, चाकर हथो मरना जिस सिकदारी तिस कुवारी, ओठे मंडप माड़िया पासो चित दिया, कठिया कम नाया बनी विच हो सकनिया, बोले
देगो तेगो पता है वो नुसरत बेद रंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह गुरु जी दी वरोसाई संगत जियो दुनिया ने अनगिनत राज बदलदे देखे है एक हाकम नू पलट के दूजा हाकम बैठता रहा है पर सरहिंद दे तख्त उत्ते अज किरत कमाई करन वाले बैठ गए ए है दुनिया दा पहला चमत्कार अनहोनी होनी च बदल गई गुरु नानक पातशाह दे हुकम नाल गुरु गोविंद सिंह जी दा ए बंदा सांझी वालता दे राज दा ऐलान करता है अज तो जेड़ा वाएगा ओही खाएगा अजमते नानक गुरु हम जाहिरो हम बातन अस्त पातशाहे दीनो दुनिया अप सच्चा साहेब अस्त वजीर खान ने मुगल सल्तनत की नख उठा दी जे वो बंदा बहादुर का मुकाबला करन जोगा नहीं सी तो मैदान जंग क्यों गया अपनी भी जान खाम खा गवाई ते हुकूमत दा भी सत्यानाश किया मैं हुन दिल्ली नहीं जावांगा सीधा लोहगढ़ ते चढ़ाई करांगा बंदा बहादुर की नाम निहाल राजा दी उत्ते